या सेलिब्रिटी मिस मिस्टर इंडिया 25 जनवरी होटल हेरिटेज में इसका पहला ऑडिशन हमने ऑर्गेनाइज किया है। ये इंडिया लेवल पेजेंट है, विदर्भ की सभी सिटीज़ के लिए और इंडिया की सभी सिटीज़ के लिए ओपन है। इसमें आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करके ऑडिशन में आ सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ सैश और क्राउन ही नहीं, आगे की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विनर्स के लिए। सी पेजेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आना कौन नहीं चाहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो बिफोर और आफ्टर में बहुत ग्रैंड चेंजेस लाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक ब्यूटीफुल गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप देख रहे हो कि हम बहुत प्रोफेशनली इसको कंडक्ट कर रहे हैं। एंड हमारे जो ग्रूमर्स हैं वो अपना मेन टैलेंट उन सभी साथ शेयर करेंगे। पहली खास बात ये कि मेरा पेजेंट और पेजेंट कंपनी रजिस्टर्ड है, लीगल है एंड वी आर एसोसिएट विद लायंस क्लब एंड एसोसिएशन ऑफ वेलफेयर एंड ह्यूमन प्रोटेक्शन के तहत वी आर टोटली गॉट द सपोर्ट। एंड इस चीज़ में अलग ये है कि हम टोटली ग्रूमिंग जो 3 दिन का देने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी टेकन केयर बाय प्रोफेशनल्स। फोटोशूट के साथ साथ वी आर गिविंग देम कपड़े, जो उनके डिज़ाइनर कपड़े रहेंगे वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्वेलरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हेयर स्टाइल और मेकअप भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको बात करने के स्किल से लेके एटिकेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो एड ऑन रहेगी, ये सब हम हमारे तरफ से प्रोवाइड करने वाले हैं। ब्यूटी पेजेंट है ना, तो जब ब्यूटी पेजेंट की हम लोग बात करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि सामने वाला कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि सामने वाले का कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, मतलब अंदर की जो एट्रीब्यूट्स है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाहर के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब जैसे अगर हम लोग बाहर के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो हाइट, लुक्स, यू नो किस तरीके से मेंटेन कर रहे, ड्रेसिंग, ये सारे बाहर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जब हम लोग अंदर के इनर एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं पर्सनालिटी के, तो कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप लोगों से अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेक्ट करते आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस लेवल ट्रेनिंग, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से पब्लिक के सामने पब्लिक स्पीकिंग करना, ये सारी चीज़ों का एक प्रोफेशनल मॉड्यूल तैयार होकर उनको ट्रेन किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी, इट इज़ नॉट न्यू कि यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट्स नहीं होते, देयर आर टू थिंग्स। पहली चीज़ है कि वो ब्यूटी पेजेंट्स का कोई लीगल स्टैंडिंग है कि नहीं, लाइक मैम सेड दैट एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड इन आर केस, पहली बात। दूसरी बात कि ब्यूटी पेजेंट हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद क्या ट्रेनिंग मिली, मैंने ट्रेनिंग दिया उनको, और भी ग्रूमर्स उन्होंने ट्रेनिंग दिया, विनर्स अनाउंस होते हैं, विनर्स क्या सैश, क्राउन, सर्टिफिकेट, एंड ऑफ स्टोरी। इस केस में क्या केस होने वाला है कि विनर्स को अश्योर्ड काम मिले। आप लोग सर जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, कोई ना कोई होगा ऐसा जो बहुत इंटरेस्टेड होगा कि हम लोग का फोटो होर्डिंग्स पे आए, ये ब्रांड के साथ हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे आए, लाइक मैम ओवर हैज कम इन आहार एडवर्टाइजमेंट हरसेल्फ। तो विनर्स आर गोइंग टू गेट अपॉर्चुनिटी कि वो भी एड शूट्स, जैसे होर्डिंग्स हम लोग देखते हैं अलग अलग ज्वेलरी होर्डिंग्स एंड ऑल दैट, ऐसे प्रमोशनल एड शूट्स, कमर्शियल शूट्स की वो लोग कुछ आगे चल के अपना करियर बना सके, सिर्फ ये शो ऑफ एंड यू नो फ्लॉन्टिंग तक सीमित ना रहे। सो द विनर्स आर गोइंग टू गेट वर्क, ये बॉटम लाइन है कि ब्यूटी पेजेंट विनर्स जो होते हैं, जितने भी एक्स वाई जेड ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, उनके विनर्स गायब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ऑर्गेनाइजर्स भी गायब हो जाते हैं और विनर्स भी गायब हो जाते हैं। लेकिन Like ma'am has assured that there are various production houses जिन्होंने written assurity दिया है that they will be giving work किनको, winners को, क्योंकि उन लोग ने ये competition के through अपना potential proof किया होगा। तो वो लोग बहुत जल्दी जो winners celebrity Mr. Miss and Mrs. India 2020 के होंगे, they will be seen in hoardings, in ad shoots जो आपके news channels पे आने वाले होंगे।